time someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns. तो भैया जी, बंदे हम बहुत डाउन टू अर्थ हैं, इसलिए हम नीचे बैठ के बात करेंगे। तो आपका जो पहला सवाल है वो मुझे पता है कि भाई तेरे इतने दिन से ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, तो उसका जवाब भी हमें ही पता है और उसका जवाब हम देंगे एक लोकेशन चेंज करके। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब भी मेरे कोई व्लॉग ना आए जिसमें गैप पड़ जाए, तो आप समझ लेना कि मैं किसी काम पे फोकस कर रहा हूँ और दूसरा काम मैं जब करता हूँ तो मेरे से एक काम छूटता है, क्योंकि उस पर ज़्यादा फोकस रह जाता है मेरा। और हम जल्दी बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं चैनल पर और कंटिन्यू वीडियो डालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भैया जी, सीधा सिंपल जवाब है कि अगर मैं व्लॉग्स नहीं डाल रहा हूँ तो मैं उस समय को सही जगह पे लगा रहा हूँ। तो मैंने इतने दिन से व्लॉग्स नहीं डाले तो मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं और चीज़ें सीख रहा हूँ। इसमें हमने वीडियो एडिटिंग सीखने की कोशिश की है और वीडियो क्रिएटिंग सीखने की कोशिश की है, और भी हम कंटेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको सीखने की कोशिश की है। अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो कंटेंट अपने आप इम्प्रूव होगा। तो अभी मैं आपको मेरे फ्रेंड से मिलवाता हूँ, ठीक है, एक नमूना जो मतलब व्लॉग में आ रहा है काफी टाइम के बाद में। और ये कौन है? Hi guys. कौन है तू? मैं कौन हूँ? वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। Be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise, made me complete. अंजी, तो यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह हमने लिए हैं, क्लिक किए हैं कुछ, मतलब वो आप इंस्टाग्राम पे देख लेना और कैसे फोटो आए वो आप बताना मेरे को, ठीक है। और कुछ मैं आपको यहीं पे डाल दूंगा, आप स्क्रीन पे देख लेना, ठीक है। अभी चलते हैं किसी नेक्स्ट लोकेशन पर, अगर वहाँ पे शूट कर पाए तो करेंगे। और कई दो चार दिन से मतलब यहाँ पे ना बारिश बारिश हो रही है, इतनी सर्दी में भी, तो यहाँ पे मतलब मौसम है ना इतना खराब रह रहा है, तो शूट करने का हो नहीं रहा। ये बहुत दिन से आया हुआ यहाँ पे, ठीक है। बट आज हमारा प्लान 6 महीने का हो रही, यहाँ आयो 6 महीने को, वो 3-4 दिन हुए, 5-6 दिन। 6 महीने से आया हूँ ऐसे बोल रहा हूँ, मत बोल, चुप, बिल्कुल चुप। तो चलते हैं दूसरी लोकेशन पे, वहाँ पे जाके शूट करते हैं। तो गाइस, अब नेक्स्ट लोकेशन पे आ गए हैं और पीछे जो रेत का टीला है उधर ऊपर चढ़ेंगे इसके और कुछ क्लिक्स लेंगे। मतलब ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ेगी, इसकी क्लाइंबिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके पहुँचेंगे ऊपर। मतलब हालत ख़राब होने वाली है और यहाँ से लाइट भी नहीं आ रही सही ढंग से। और भाई ये क्या है, ऐसे क्या चल रहा है, ऊपर चढ़ पाएगा इतना? तो ऊपर देख ले, ये है ना इतनी लेंथ है इसकी, इतनी ऊंचाई है, लेंथ क्या लंबाई क्या है, यहाँ ये तो बबूल के पेड़ है इसकी वजह से दिख नहीं रहा सही से, देख लो आप। और बरसात हुई है ना इसकी वजह से चढ़ना यहाँ पर आसान है, मतलब बरसात की वजह से ना पूरा ये जो रेत का टीला है ना वो हो गया है, ये ना जम गई, हाँ मिट्टी जम गई है, नहीं तो रेत है ना वो पेड़ फिसल जाते हैं ऊपर चढ़ते ही। देखो पीछे पूरा गांव दिख रहा है, मतलब अभी हमें ना पूरे ऊपर जाएंगे ना तब आपको क्लियर व्यू दिखाएंगे इसका। ऊपर आने में ना काफी टाइम लग रहा है, इसकी हाइट बहुत ऊंची है, ऊपर चढ़ने में आप मतलब इतनी हालत खराब हुई मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं ना ऐसे रेत के टीलों बहुत कम जाता हूँ, मेरे गांव में पास में है, फिर भी चीज हम डेली भी कहीं चले जाते हैं ना भूलते ही भूलते हैं, क्योंकि हम पानी का बोतल साथ नहीं लेके आए, अब प्यास लगी जोरों की, ऊपर भी नहीं चढ़े। मौसम अच्छा है और कुछ नहीं, मौसम इसलिए अच्छा है बरसात हो गई है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अभी ऊपर चलते हैं क्लिक लेते हैं हम। सो फाइनली हम इस रेत के टीले के टॉप पर आ गए, मतलब इतनी हालत खराब हुई यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ से आप देख लो कि पूरा गांव नीचे दिख रहा है, मतलब पूरा जितना भी एरिया है ना इधर वाला पूरा का पूरा दिख रहा है, क्योंकि इसकी है ना जो ऊंचाई है ना बहुत ही ज्यादा है। और अगर यहाँ पे अगर बरसात नहीं होती और रेत है ना ऐसे सूखी पड़ी होती तो भाई हालत खराब हो जाती पूरी आने में। अभी कुछ शूट करेंगे फोटोज वगैरह और कुछ रील्स बनाएंगे, बस आप देखो और सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करो, ठीक है। यहाँ से आप मेरे गांव का पूरा बैक व्यू देख सकते हो, मतलब पूरा पीछे तक यहाँ से थोड़ा बहुत एरिया दिख रहा है। और वहाँ पे जो है ना वहाँ पे पेट्रोल पंप है इधर से, मतलब ये जो गांव है ना हमारा रेत के धोरों के बीचों बीच आया हुआ सेंटर में, क्योंकि जैसलमेर के पास में सब रेत के धोरे ही आपको पता है ज़्यादातर। और ये जो गाँव है ना मतलब बहुत बड़ा भी है और काफ़ी पास में रेत के टीले हैं और पेट्रोल पंप, मतलब तरक्की के साथ साथ में मतलब वो पूरी डेजर्ट वाली वाइब्स भी है, बट ये गांव है बहुत ज़्यादा विकसित मतलब एक तरीके से। तो इसके पास में और भी वो सारे गांव हैं जो लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए यहीं पे आते हैं, ये एक तरीके से गांव भी है और एक तरीके से सिटी भी है दोनों में। सर्दियों में और बसंत ऋतु में तो भाई बहुत अच्छा लगता है, और गर्मी में यहाँ रेत के टीले में मैं नहीं खड़ा होता। अरे यहाँ ना रोटी रख दो रेत के टीले पर सिक जाएगी पूरी। हाँ जी, तो यहाँ पे ठंड का स्तर जो है ना वो बढ़ रहा है,
मतलब बादशाह यहाँ आए थे ना तभी कम जैसे दिन गुजर रहा है ठंड का स्तर बढ़ रहा है तो भी हम यहाँ से घर फरार होते हैं ठीक है सीधा और फिर इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे या मैं यही एंड कर दूंगा वो तो मेरे को पता नहीं। अभी चलते हैं इसके नीचे और आपको दिखा दे मतलब यहाँ से उतरना है ना बहुत ज्यादा इजी है मतलब जितना चढ़ना हार्ड है ना उतना उतरना मतलब इजी है मतलब सीधा सीधा। हाँ देखो ओए आजा। तो भैया जी हमने अपने आप को इम्प्रूव करने के साथ में अपने गैजेट्स को भी इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है। हमने लिया है बोया का MM1 माइक जिसकी क्वालिटी आप अपने आप जज कर सकते हो। पिछले वीडियोस आप व्लॉग्स देखना और अभी के व्लॉग्स देखना। पिछले मैंने जो 2-3 व्लॉग्स डाले वो भी बोया के माइक से शूट करके डाले। काफी लोग मुझे बोल रहे थे कि काफी अच्छी क्वालिटी आ रही है। इसकी क्वालिटी इसकी साउंड क्वालिटी और इसके नॉइज कैंसिलेशन बहुत ही ज्यादा ओपी है मेरे हिसाब से। अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाय कर लेना। आपको 1800 या 1900 रुपए में पड़ेगा। अगर आपको बोया MM1 माइक का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, तो मैं आपके लिए रिव्यू वीडियो भी बना दूंगा जिसमें हम बिना माइक के और माइक लगा के टेस्ट करेंगे कि क्वालिटी कैसी आ रही है और इसका नॉइज कैंसिलेशन कैसा है। तो इस व्लॉग में इतना ही, हमने वापस ट्रैक में आने की कोशिश की है, कंटिन्यू व्लॉग डालने की हम कोशिश करेंगे। और मतलब पहले वाले जो व्लॉग आते थे वैसे नहीं बट स्टोरी टेलिंग में प्रॉपर व्लॉग हम कंटेंट डालने की पूरी कोशिश करेंगे और भी गैजेट्स हम लाने वाले जल्दी से जल्दी। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के साथ में हम चैनल के कंटेंट को भी इम्प्रूव करेंगे।